ये भारत जोड़ो यात्रा में ये कई सारे रेल के कर्मचारी हैं जो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं पेंशन को लेकर। ये देखिए इनके हाथ में कुछ डिमांड्स है, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे। मतलब क्या डिमांड लेके आए हैं आप? हमारी एक ही डिमांड है और ये राष्ट्र स्तर की डिमांड है कि पुरानी पेंशन को बहाल करो, नई पेंशन स्कीम को खत्म करो। अच्छा, जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है। हाँ। अभी आपने देखा ही है कि पिछले कांग्रेस की जहाँ जहाँ शासित प्रदेश है, हाँ। तीन जगह राजस्थान, छत्तीसगढ़, हाँ। और हिमाचल, हाँ। इन तीन जगह पे कांग्रेस पार्टी ने जो है, हाँ। पुरानी पेंशन को बहाल किया है, हाँ। और हम भी यही चाहते हैं, हाँ। चूंकि रेलवे जो है महकमा है सेंटर के अंदर में आता है, हाँ। तो हम चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी 2024 में आए, और हमारा यही मिशन है, मिशन 2024 पे काम कर रहे हैं कि आए और हमें जो है पुरानी पेंशन स्कीम की सौगात दे। ठीक, क्या क्या आपने स्कीम को लेकर आए यहाँ पे? बिल्कुल, हम ये पूरे रेलवे नई स्कीम से क्या दिक्कत है? नई स्कीम से दिक्कत है कि ये बाजार पर आधारित है, शेयर मार्केट पे आधारित है। एक कर्मचारी 35 साल नौकरी करता है, उसके वेतन का हिस्सा काट के वो शेयर बाजार में लगा दिया जाता है, जिससे जो पेंशन मिलती है, आज के आंकड़े आ रहे हैं, 15 साल नौकरी करने के बाद जो रिटायर हो रहा उसको पेंशन मिलती है 1500 रुपये, 3000 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जो 70000 रुपये सैलरी लास्ट लेके रिटायर हो रहा उसको 3000 रुपये मैक्सिमम पेंशन मिल रही है। इससे उसके परिवार का बुढ़ापे में गुजारा नहीं होगा, इसलिए हमारी डिमांड है कि जो पुरानी पेंशन है वो अंतिम वेतन का 50% जो उसको पेंशन दी जाती है, जिससे वो अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर पाए। और हमारे बुजुर्गों के लिए, इसके लिए हमारी डिमांड है कि हमारे जो साथी रिटायर होते हैं उनको पुरानी पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यही डिमांड के साथ हम साथी हैं। मेरे साथी, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या मिलता है? ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारी लास्ट बेसिका में 50% मिलता है, मेडिकल सुविधा मिलती है, ग्रेचुटी का हमें मिलता है लाभ, हमारा पैसा टैक्स फ्री है, और हमें सरकार जो है वो हमारी फैमिली पेंशन लगाती है, हमारे जो फैमिली होती है वो विश्वास में रहती है। नई पेंशन के अंदर जो है किसी को 543 रुपये, 753 रुपये, 1044 रुपये जो है वो पेंशन मिल रही है। ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने हम पे ये थोपी है, कांग्रेस सरकार ने ये पहलकदमी ली है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की, जहाँ पे उनकी पार्टी की सरकार है वहाँ पे उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की है। इसीलिए हम रेलवे से फिरोजपुर डिवीजन और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से यहाँ पे साथी हम पहुँचे हैं बड़ी संख्या में अपने झंडे बैनर के साथ, और राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई आपने धन्यवाद। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे आप लोगों की जो पेंशन की समस्या वो कितना सावधान होता नजर आ रहा है? देखिए जी, हम 100% इससे आश्वास है कि पूरी रेलवे के अंदर 7 लाख कर्मचारी हैं, अगर एक कर्मचारी 10 लोगों को मोटिवेट कर सकता है वोट के लिए, तो लगभग 7 करोड़ वोटों का मसला है, और 7 करोड़ वोट जिस पार्टी को दिखते हैं वो पार्टी भाग के हमारी जो पेंशन है वो बहाल करेगी, यही हम केंद्र सरकार को दिखाना चाहते हैं। ये चीज़ हमारी राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने समझी है। एक बात बताइए कि ये रेलवे को लेकर जो लगातार कहा जा रहा है प्राइवेटाइजेशन, उससे कितनी नाराजगी आप लोगों? बहुत नाराजगी है। मिनिमम बेस द स्केल जो है उसको पूरा मिल नहीं पा रहा है, उसको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, प्राइवेटाइजेशन के वजह से जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम से कम स्टाफ में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी जो बेसिक फैसिलिटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो रेलवे में भारत जोड़ो यात्रा है, और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को लेकर कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा नहीं है, मगर फिर भी कहीं राहुल गांधी को लेकर जो अलग अलग राज्यों में सपोर्ट है, वैसा ही सपोर्ट है पंजाब में? पंजाब में आप तो देख ही रहे हो कि कितना पंजाब में समर्थन मिल रहा है, जो लोगों की भीड़ इकट्ठी है आपने सबको देखा है, क्योंकि राहुल गांधी ही ऐसे एक नेता है जो भारत को बचा सकते हैं, तो वो राहुल गांधी अब सड़कों पर उतरे हैं और भारत को जोड़ रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं राहुल गांधी। तो 2014 में 13 में से 8, 2019 में 13 में से 9, ये तमाम सीटें राहुल जी को यहाँ से मिली लोकसभा में, तो क्या लग रहा है कि 2024 में कितने सीटें मिल रही है पंजाब में? 13 सीटों में 13 सीटें पंजाब में मिलेंगी, जे आपसे मैं वादा करता हूँ, क्योंकि जे आपका जे हड़ जो लोगों का जे आपको बता रहा है 24 में कांग्रेस की 13 के 13 ही अपने मेंबर सारे पार्लियामेंट के बनेंगे और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो राहुल जी का सफर पंजाब से क्या सौगात दे रहे हैं पंजाब के लोग? पंजाब को आपको पता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी को तो जो झूठे वादे किए थे वो तो निकम्मी हो गई सरकार, अभी अपना राहुल जी है जो अभी अपने भारत जोड़ो और पंजाब को सभी राज्यों को जोड़ रहे हैं और पंजाब को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पंजाब के युवा राहुल गांधी से क्या उम्मीदें लगाकर है? बेरोजगारी है, पेट्रोल के दाम महंगे हैं, रसोई के दाम महंगे हैं, तो क्या उम्मीदें राहुल जी से लगा रखी है? तो राहुल जी आते हैं और
24 में प्रधानमंत्री बनते हैं और बेरोजगारी भी खत्म होगी। मोदी जी ने तो इतना बेरोजगारी बढ़ा दी है कि लोग अपना घर भी नहीं चला सकते। इसलिए तो राहुल गांधी जी एक ऐसे लीडर है जो भारत को बचा सकते हैं और कांग्रेस को आगे ले जा सकते। अच्छा एक बात बताइए, 6 महीने पहले चुनाव हुआ, केजरीवाल को आपने वोट दिया, केजरीवाल के ऊपर इल्जाम ये लग रहा है कि वो जो है शराब के आदि बना रहे पंजाब के युवाओं को और नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल किस तरह से पंजाब को चला रहे? सबसे पहली तो बात, केजरीवाल को तो हमने वोट ही नहीं पाई, ठीक है, हम कांग्रेसी हैं, हाँ ठीक है, वो तो अभी पछता रहे हैं, सभी पछता रहे हैं कि हमने कांग्रेस अपना आम आदमी को वोट क्यों पाई, क्योंकि उन्होंने सभी दारू फ्री कर दी, वो क्या करेंगे, युवा को कर दी तो युवा खुश तो होंगे, क्या खुश होंगे, उनको रोजगार दो, नौकरी दो, फिर खुश होंगे। रोजगार रोजगार क्यों, दारू पी के मस्त रहेंगे, रोजगार पूछेंगे नहीं, रोजगार ऐसे नहीं आते, क्योंकि किसी को रोजगार मिलेगा तो फिर ही अपना जरा युवा है वो स्ट्रांग हो सकेगा नशे से, क्योंकि पंजाब में नशा ही इतना है। तो झूठे बात क्या कि मैं इतने दिनों में नशा भी बोलते हैं, ये कोई गुड्डी गुड्डी का खेल थोड़ी है, मैं ऐसे पकड़ के कर दूंगा। तो क्या लग रहा है कि पंजाब चल रहा है तो हरियाणा से कितना ज्यादा समर्थन पंजाब में राहुल जी को मिलेगा? आप देख ही रहे हो, अभी तो जो हड़ आया है पंजाब में, अभी पंजाब से सरहंद से चुरी है यात्रा, आपको देख ही रहे हो सर्वे के कि ये यात्रा अपने संतोष सिंह चौधरी की जो एक कल उसकी वजह से थोड़ा हम भी कल 24 घंटे के लिए यात्रा को विराम लगा दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो यात्रा संतोष सिंह जी के याद में 24 घंटे के लिए रुका, तो पंजाब के लोग इस राहुल गांधी के इस फैसले को किस तरह से देखते? बड़ा अच्छा, क्योंकि वो एक बड़े लीडर थे कांग्रेस के, ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट थे अभी, क्योंकि राहुल जी ने उनको, ठीक है, उनको अपना श्रद्धांजलि दी, क्योंकि राहुल गांधी जी एक बड़े नेता है, बड़ी सोच है उनकी, ठीक है, कि उनका नेता थे कांग्रेस पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी जो कि टूटी है, हाँ, तो इसके लिए राहुल गांधी जी ने बड़ा अच्छा फैसला कि 24 घंटे के लिए यात्रा को बंद किया, और आज 3 बजे यात्रा शुरू हुई है, तो आप 3 बजे देख लो कि कितना हजूम है जो कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है, पंजाब में सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के वर्कर तो आ रहे वो अलग है, मगर उसके साथ आम सामान्य लोग आ रहे जो कांग्रेस के वर्कर नहीं है, कह सकते हैं कांग्रेस के वोटर है, वैसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से नाराज है, और सड़कों पर जो है केजरीवाल के खिलाफ एक अलग तरह का युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि 2024 में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को पंजाब क्या सौगात देता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।